तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। भोपाल में आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक है और ये बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में संगठन की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और हेतानंद शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में विजय संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने वाली है और इस विजय संकल्प यात्रा में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तरफ से काफी एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, जहां कमर कसते हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत भोपाल में आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक, ये बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी। तो प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और हेतानंद शर्मा संगठन की बैठक कर लेंगे। इस बैठक में विजय संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने वाली है। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक, उसे लेकर लगातार बीजेपी की ओर से बैठकों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा एक्टिव बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नीलम जुड़ चुके हैं। नीलम की ओर रुख करेंगे। नीलम, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। आज तीसरा दिन है जब बीजेपी में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक को प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा लेंगे, जिसमें आने वाले दिनों में विजय संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में पीएम नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके दौरे होने वाले हैं। ऐसे में उन दौरों को लेकर भी चर्चा होगी, खासतौर पर विजय संकल्प यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब 4 महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में लगातार जो है बीजेपी हर एक जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि लगातार बीजेपी में जो है शनिवार से बैठकों का दौर शुरू हुआ था। अलग अलग मोर्चों की, विभागों की बैठक ली गई। चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक है नरेन्द्र सिंह तोमर, उन्होंने सभी पदाधिकारियों को, अलग अलग विभागों के जो कार्यकर्ता है उनको निर्देश दिया और आज भी जो बैठक होने जा रही है उसमें आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो अभियान चलाया जाएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि जो है 2018 में जो गलतियां बीजेपी की तरफ से हुई थी वो 2023 में बिल्कुल भी दोहराई ना जाए। राज्य सरकार से लेकर बिल्कुल सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक, उसे लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर 52 जिलों में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। जाहिर तौर पर बीजेपी की एक कोशिश है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दी जाए, इसके साथ ही किस तरीके से सांगठनिक स्तर पर भी पार्टी मजबूत, और उसी को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है ताकि संगठन स्तर पर भी जो है पार्टी को मजबूती मिले। बीते दिनों जो बैठकें हुई उनमें अलग अलग मोर्चों के, विभागों के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था। चुनाव को लेकर के जो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव संयोजक समिति, इंटरनेट मीडिया, विज्ञापन क्रिएशन, इस तरह की जितनी तमाम समितियां बनाई गई हैं उनको जो है अंतिम रूप भी दे दिया गया है और ऐसे में संगठन की तरफ से भी कहीं कोई कमी न हो। कार्यकर्ताओं को मजबूती का पहले ही जो है पीएम नरेंद्र मोदी मंत्र दे चुके हैं कि कार्यकर्ता किस स्तर पर, किस रणनीति के साथ नीचे तक जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी जो मानती है वो सबसे मजबूत इकाई मानती है बूथ को लेकर के, और बीजेपी ने जो साल अपना लक्ष्य रखा है चुनाव को लेकर के 51% वोट शेयर बढ़ाने तक का, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं से लेकर के हर एक निचले स्तर पर बीजेपी संगठन में मजबूती रहे और ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि पदाधिकारी लेवल से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक जो है हर एक काम को बखूबी किया जा सके, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाए, क्योंकि अब बेहद कम समय बचा और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावी दौरे भी मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों देखने को मिल रही है काफी ज्यादा यहां पर एक्टिविटी राजनीति